चलो 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 चलाओ ना चलाओ इसको सड़ जाओ। वो देखो हेलो गाइस, जय श्री राम एंड वेलकम टू माइंड योर व्लॉग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 जनवरी और आज श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो आज पूरे देश में मतलब कि एक त्यौहार का माहौल बन गया है। ये देखिए, ये इस घर में भी राम जी का झंडा है और आगे भी छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं। और आज के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आज दिवाली से भी बढ़कर मनाया जा रहा है। तो अभी चलते हैं, मैं मंदिर जा रहा हूँ नीचे, जो अपना शिव मंदिर है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ का आगे दिखाते हैं आपको। तो ये है जी अपने पलोड़ा का शिव मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर, पहले ये थोड़ा ऊंचा हुआ करता था। और यहाँ पे ये जो समाधियाँ देख रहे हैं, ये है ये जो बाबा जी पहले होते थे, तो उनकी समाधियाँ हमने उनको देखा हुआ वैसे, तो अभी बेचारे वो तो इस दुनिया में है नहीं। और यहाँ पे आज लंगर है, पलोड़ा वासियों ने ऑर्गेनाइज किया है लंगर। तो यहाँ पे अभी कंचके पूजी जा रही है, तो यहाँ पे लंगर हो चुका है शुरू और अभी सत्संग खत्म हो गया है, तो आधा चल रहा है। तो हमारे भद्रवाहियों को सिर्फ मौका मिलना चाहिए, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, डिक्कू हो कुछ भी हो, मैं हमारे भद्रवाही पीछे नहीं रहते किसी काम से, और नाचना छोड़ते कभी नहीं। सो अभी मैं आ गया हूँ घर पे, जैसा कि आपने देखा अभी मैं मंदिर में था और वहाँ पे लंगर चल रहा था, तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा जो भद्रवाही कल्चर है डिक्कू वो लगाया लोगों ने, तो अभी मैं अपने छत पे हूँ, तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक झंडा हमारे घर में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये देखो आज हर हिंदुस्तानी के घर में आपको झंडा मिलेगा, सनातनी के घर में। ये देखिए, कोई ऐसा घर नहीं है जो जिस पे झंडा नहीं छा रहा होगा। जय श्री राम। ये जो आज का शुभ दिन है, ये हमें जो प्राप्त हुआ है, ये कोठारी ब्रदर्स की वजह से और जो भी कार सेवक थे इनमें, जिन्होंने इस सारे मुहिम को आगे बढ़ाया और बाबरी मस्जिद गिराई। तो सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कोठारी ब्रदर्स का, वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं, तो चलो मैं तहे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हमारे राम वाकई में अपने घर वापस आए हैं। और बहुत खुशी लोगों में, हर किसी को, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो ईसाई, उन सब में खुशी का माहौल है, खुशी है कि चले राम मंदिर आखिरकार बन ही गया। बहुत बहुत इसमें टाइम लगा, बहुत अड़चने आई, लेकिन आखिरकार
राम जी आ ही गए अपने घर में, सो उनका मंदिर बन गया। और अभी मैं एक क्लिप डाल दूंगा तो जिसमें आप देखेंगे कि उनका श्रृंगार हो चुका है, उनके जो वस्त्र वगैरह वो लग चुके हैं। तो शाम को तो अभी हमारे यहाँ पूरे दिए जलाए जाएंगे, तो चलिए फिर शाम को दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम दिए बना रहे हैं, ये मंजू बना रही दिए, देखो इसकी टोपी, ये मम्मी ने सी थी इसके लिए। और आदि ये देखो, ये क्या आदि क्या खा रहा है, ये देखो मूंगफली खा रहा है, ये देखो पूरा छिलका उतार के खाता है। ये देखिए जी हो गए हैं तैयार दिए और अभी जलाने शुरू कर दिए हैं। और आदि आदि ये क्या है, आदि ये क्या है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज श्री राम अपने घर आए हैं, बोला जय श्री राम। सो अभी जला दिए देखो, तो अभी इनको बाहर हम लगाएंगे, कुछ सीढ़ियों पे लगाएंगे, कुछ हम यहाँ पे पोर्च में लगा देंगे। आदि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है, हम पटाखे जलाएंगे, पटाखे पटाखे जलाने, क्यों जलाने क्यों, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा। तो अभी चलते हैं बाहर, देखो मम्मी ने यहाँ पे मोमबत्तियाँ जला दी थी, तो कई ने तो पहले जला दी हैं, ये देखो ये सामने वाले घर में। और अभी हम पौड़ियों पे चला रहे हैं, देखो एक मैं भी डाल देता हूँ, चप्पल लगा के नीचे। ये देखो आदि को देखो सबसे ज्यादा खुशी है, आदि अपने दादू को बुला रहा है, देखो ये है यहाँ पे आदि, और जलाने शुरू हो गए, जला भी दिए। हमने तो थोड़े से जलाए, ये देखो इस वाले घर में इन्होंने पूरे छत पे पूरे नीचे, तो बाकी तो ऐसे लाइट गई अभी यहाँ पे, यही रहता कि लाइट जाती रहती है, आज सर्दियों में भी इन्होंने भी जला दिए हैं ऊपर नीचे दीवारों पे। वैसे तो हर एक घर में आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखो सब ने जलाए हुए हैं, असली दिवाली तो आज है। यहाँ पे मम्मी ने पटाखे लगाए हैं, लाए हैं, और देखो अभी अभी चलाएंगे। मम्मी ऊपर ने शार दे दे, ये फूस निकला, फूस और ये देखो हमने छत पे आग जलाई है और आग भी सेक रहे हैं, दो दो काम, और पटाखे भी फटाए हमने। चलो 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 चलाओ ना, चलाओ इसको सड़ जाओ, वो देखो। सो जय श्री राम सभी को, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।